देखिएगा बात को ध्यान से सुनिएगा। इक्वेशंस आपके कोस स्क्वायर की रेंज होती है आपकी माइनस वन से वन, और अगर कोस स्क्वायर कोस अक्ष की रेंज माइनस वन से वन होते हैं, कोस स्क्वायर की बात करते हैं तो ये कोस स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, जीरो से वन। सेम बात करते हैं टेन की, तो टेन कहाँ से कहाँ होता है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव तक, है ना। लेकिन इसके स्क्वायर की बात करते हैं तो ये जीरो इंक्लूड होगा, इन्फिनिटिव इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, इन्फिनिटिव हमें पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहे हैं। हाँ जी, तो टेन स्क्वायर की हो जाएगी। अब बात करते हैं रेंज ऑफ वाई इक्वल टू अंडर रूट की बात जाती है। जब कोई भी फंक्शन अंडर रूट की बात करते हैं तो अंडर रूट एक पॉजिटिव वैल्यू लेता है। अंडर रूट क्या करता है कि पॉजिटिव वैल्यू लेता है, तो हम थोड़ा सा लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। सर इसका क्या मतलब किया है आपने, पॉजिटिव क्वांटिटी का क्या मतलब किया? पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब किया है कि पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, प्लस इन्फिनिटिव की तरफ जाती है, लेकिन साइन बाउंड है। साइन बाउंड है तो इसका क्या हो जाएगा, साइन बाउंड है तो इसकी रेंज हो जाएगी पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा, या जीरो या जीरो से बड़ा, और ये वन है, वन का अंडर रूट भी वन होगा। कोस की बात की जाती है तो ये बोला गया कोस का अंडर रूट भी यही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इम्पोर्टेंट ये चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये ग्राफ से ही निकाली गई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैंने एक बात बोली है आपको कि अंडर रूट ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब जब भी रूट आ जाएगा उसकी रेंज की बात की जाती है तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी ही हम लेते हैं। सर अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो अरे वो इमेजिनरी नंबर्स में जाएंगी, वो बाद में बताते थे हम। लेकिन रेंज कभी भी होते हैं क्योंकि माइनस टू आयोटा रेंज गई,